कक्षा में हम मिश्र भिन्नों के लिए आकृति बनाना सीखेंगे। हमारा प्रश्न भी है, मिश्र भिन्नों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ मिश्र भिन्न है, एक सही 1/3, 2 सही 4/5 और 3 सही 2/3। तो चलिए इसके लिए हम आकृतियां कैसे बनाएंगे। तो पहली बात तो हम एक इकाई बना लें, एक आकृति बना लें। यह एक आकृति हो गया और यहां देखिए हम हमारा ध्यान हर की ओर होना चाहिए। यहां 1/3, हर में कितना है 3, मतलब इस आकृति के हमें 3 समान टुकड़े करने होंगे, हिस्से करने होंगे। यह हो गया 3 हिस्से। ठीक है, अब यहां देखिए हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, ये एक जो है पूर्ण संख्या है और जो 1/3 है वह भिन्न के रूप में है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के मिश्रित रूप को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो अब एक जो है पूर्ण है, मतलब हमारे पास कोई एक इकाई है वह पूर्ण है, कंप्लीट है, मतलब इसको हमें पूरी तरह भरना होगा, पूर्ण है ये। जैसे हमने हमें पहले ही कहा कि एक सही, मतलब एक पूरा पूरा, मतलब यह इकाई होगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यह हमने पूरा पूरा एक इकाई बना लिया, यह हो गया पूरा एक पूर्ण। अब 1/3 एक और हमें आकृति बनानी होगी, समान आकार की, इसके भी 3 टुकड़े होंगे और यहां कितना है 1/3, मतलब इसका एक भाग क्या होगा रंगीन, और यह हो गया 1/3। ये एक पूर्ण हुआ और यह 1/3, और इसे हम कहेंगे एक सही 1/3। और अगर इसे हम विषम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, वह भी सीख लीजिए। विषम भिन्न के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम, अब देखिए इसके कुल कितने रंगीन हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, तो अंश में हम लिखेंगे 4। और एक इकाई के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, तो 3 हिस्से किए गए हैं, 1, 2, 3, या इसे भी इस इकाई को लेंगे तो भी 1, 2, 3, तो हर में होगा 3। तो इस तरह से विषम भिन्न के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, और यह विषम भिन्न के रूप में होगा 4/3। अगर मिश्र भिन्न के रूप में कहते हैं तो वह होगा 1 सही 1/3, जहां एक सही मतलब एक पूरा पूरा है और भिन्न है 1/3, तो इसे कहेंगे 1 सही 1/3। तो यह हो गया 1 सही 1/3 के लिए एक को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, यहां 2 है पूर्ण संख्या, 2 है पूरा पूरा और भिन्न है 4/5, यह हो गया हमारा भिन्न। तो चलिए एक हम इकाई बना लेते हैं और इस, क्योंकि हर में 5 है तो इस इकाई के हम 5 समान टुकड़े करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यह हुआ एक इकाई, ठीक, और उसके 5 टुकड़े। अब यहां देखिए 2 सही, मतलब हमें 2 पूरा पूरा इकाई चाहिए, तो एक और बनाना पड़ेगा, तो एक और बना लेते हैं, इसके भी हम समान टुकड़े कर लेते हैं, 5, 2, 3, 4, 5, यह हो गया 2 इकाई। 2 सही मतलब 2 पूरा पूरा इकाई होना चाहिए, तो अब पूरा इकाई कैसे होगा, जब हम इसके 5 भाग को रंगीन कर लेंगे, यह हुआ एक पूर्ण इकाई। यह भी हो गया एक पूर्ण इकाई, मतलब हमारे पास 2 पूर्ण इकाई हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 4/5, तो 4/5 के लिए भी हम एक
समान आकार की इकाई बनाएंगे, इसके भी हम पांच टुकड़े करेंगे क्योंकि हर में पांच है। अब अंश में कितना है, अंश में है चार, तो इसके चार हिस्से को हम रंगीन कर देते हैं, यह हो गया चार बटा पांच। अब हमारा हो गया दो पूर्ण इकाई और चार बटा पांच। अगर हम इसे विषम भिन्न में बदलें तो यहां से हम इसे विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो कैसे देखिए, हमारे पास कुल कितने रंगीन भाग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो अंश में हो गया चौदह। ठीक, और हमने इस इकाई के कितने बराबर हिस्से किए हैं, तो एक दो तीन चार पांच, कोई भी इकाई नहीं पांच हिस्से किए हैं, तो हर में हो जाएगा पांच, तो विषम भिन्न के रूप में यह हो जाएगा चौदह बटे पांच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और भिन्न है हमारे पास, जहां है तीन सही दो बटा तीन, जहां तीन है पूर्ण संख्या और दो बटा तीन है भिन्न। तीन पूर्ण संख्या मतलब हमें तीन पूरा पूरा इकाई तो चाहिए ही, तो चलिए बना लेते हैं। और चूंकि हर में तीन है तो इसके तीन हिस्से कर लेते हैं, एक दो और तीन हिस्से कर लिए। तीन सही मतलब हमें तीन पूरा पूरा हिस्सा चाहिए, तीन इकाई चाहिए, तो हम सबसे पहले तीन इकाई बना लेते हैं। और पूर्ण इकाई होना चाहिए मतलब इसके सभी भाग रंगीन होंगे तभी यह क्या है, एक पूर्ण इकाई बनेगा। तो इस तरह से ये तीन पूर्ण इकाई बन गए। अब हमारे पास है दो बटा तीन, तो दो बटा तीन के लिए फिर हमें समान इकाई बनानी होगी, और यह होगा दो बटा तीन मतलब इसके कितने हिस्से रंगीन, दो हिस्से, तो यह हो गया दो बटा तीन। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये तीन पूर्ण इकाई तो तीन, और दो बटा तीन तो तीन सही दो बटा तीन। अब देखिए कि इसे हम विषम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, विषम भिन्न कैसे लिखेंगे, तो चलिए रंगीन भाग को गिनते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, तो अंश में हो गया ग्यारह। और इकाई के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, तो किसी भी इकाई को ले लीजिए, हमने सबके बराबर बराबर तीन तीन हिस्से किए हैं, एक दो तीन, तो हर में हो जाएगा तीन, और विषम भिन्न हो गया या ग्यारह बटे तीन। तो मिश्र भिन्न को जब भी हमें चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि कितनी पूर्ण इकाई है, जितनी पूर्ण इकाई होंगी पूर्ण संख्या होगी उतने ही हमें पूर्ण इकाई बनाने होंगे, आकृति बनानी होंगी, और प्लस उसके साथ अगर कोई भिन्न जुड़ा हुआ है तभी वह मिश्र भिन्न होगा, तो उस भिन्न के लिए भी हमें एक अलग इकाई बनानी होगी और फिर उसके अंश के अनुसार उसके खानों को भरना होगा। लेकिन जो पूर्ण संख्या होगी उसके सभी खाने पूरी तरह भरे होंगे तभी वह एक पूर्ण इकाई होगी। तो इस तरह से आप मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, और दूसरी चीज उसके लिए आप आकृति भी बना सकते हैं।